अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इससे पहले हमने 10.3 के 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज हम इससे आगे लेके चलेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमने हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ की बात की थी, फिर डबल एंगल आइडेंटिटीज़ की, फिर ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ की। उन्हीं आइडेंटिटीज़ की मदद से हम जो है नेक्स्ट लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, कोसिकेन थीटा प्लस 2 कोसिकेन 2 थीटा डिवाइडेड बाय सिकेन थीटा, इसको हमने प्रूव करना है इक्वल टू कॉस थीटा बाय 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड कोसिकेन थीटा प्लस 2 कोसिकेन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय सिकेन थीटा। अब देखें कोसिकेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपके पास कोसिकेन थीटा ये रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर साइन ऑफ थीटा प्लस 2 ओवर कोसिकेन 2 थीटा सिमिलरली साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय सिकेन थीटा। दिस इंप्लाइज दैट 1 ओवर साइन ऑफ थीटा प्लस 2 ओवर साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा ओवर सिकेन थीटा, 2 से कैंसिल, तो आपके पास बचा गया 1 ओवर साइन ऑफ थीटा प्लस 1 ओवर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा। अब देखिए ऊपर आपके पास साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा एलसीएम आ गया, तो यहां से आपके पास बना कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 की फॉर्म होल डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, तो हाफ एंगल आइडेंटिटी की मदद से हाफ एंगल आइडेंटिटी में आपके पास मौजूद था कि कॉस थीटा बाय 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। तो आपको चाहिए क्या, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, तो दोनों साइड का स्क्वायर ले लें, थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इधर आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 की फॉर्म इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा डॉट सेकेंड थीटा। अब सिकेंड थीटा कौन सी आपके पास, वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका ये रेसिप्रोकल है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर ये कॉस ऑफ थीटा साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा सिकेंड थीटा आपके पास 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा, तो ये कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो, आपके पास बचा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर साइन ऑफ थीटा। तो देखें डबल एंगल आइडेंटिटी में आपके पास मौजूद है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, तो अगर एंगल में आपके पास थीटा आ जाए तो फिर आप इसको कैसे चेंज करेंगे, थीटा की जगह आप रिप्लेस करें 2 थीटा की जगह थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो यहां से देखें आप इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 भी 2 2 के साथ कैंसिल हो एक कॉस के साथ में, तो आपके पास बचेगा क्या कॉस थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा बाय 2, तो कॉस थीटा ओवर 2 ओवर साइन थीटा ओवर 2 किसके इक्वल होता है cot थीटा बाई 2 की फॉर्म है, तो यही आपके पास राइट हैंड साइड आपने यही प्रूव करना है।
आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो पूछता है कि 1 प्लस tan अल्फा tan 2 अल्फा, इसको आपने प्रूव करना है secant 2 अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड लें इसकी, इक्वल टू 1 प्लस tan अल्फा tan 2 अल्फा, इक्वल टू 1 प्लस tan अल्फा sin अल्फा ओवर cos अल्फा इंटू 10 to अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा, इक्वल टू 1 प्लस sin अल्फा ओवर cos अल्फा इंटू डबल एंगल आइडेंटिटी की मदद से आप 2 अल्फा इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। तो एक cos cos के साथ कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बन गया 1 प्लस 2 sin² अल्फा ओवर cos 2 अल्फा इक्वल टू cos 2 अल्फा आपके पास LCM। तो यहां से आप देखें cos 2 अल्फा प्लस 2 sin² अल्फा की फॉर्म में आपके पास रिक्वायर्ड आ गया। तो यहां से आपके पास जो हाफ एंगल आइडेंटिटी थी आपके पास मौजूद है, आपके पास चाहिए साइन स्केयर। तो देखें साइन अल्फा बाई 2 आपके पास मौजूद था, स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस cos अल्फा ओवर 2। तो यहां पे आपके पास देखें एंगल में क्या है अल्फा, तो आप एंगल में यहां पे जब अल्फा पुट करेंगे इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में आपके पास आ जाए। तो यहां से दोनों साइड का स्केयर लेंगे, साइन स्केयर अल्फा इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में, ये 2 यहां पे आ जाएगा तो 2 sin² अल्फा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा। तो यहां पे 2 sin² अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, cos 2 अल्फा प्लस 2 sin² अल्फा की जगह 1 माइनस cos 2 अल्फा, 1 माइनस cos 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। तो यहां पे देखें आप cos 2 अल्फा के साथ कैंसिल हो, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड बना कि 1 ओवर cos 2 अल्फा इक्वल टू secant 2 अल्फा। तो यही आपके पास राइट हैंड साइड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपने आपके पास रिक्वायर्ड था 1 प्लस tan अल्फा tan 2 अल्फा, इसको आपने प्रूव करना था कि secant 2 अल्फा। तो देखें tan अल्फा आपके पास मौजूद होता है sin अल्फा ओवर cos अल्फा, सिमिलरली tan 2 अल्फा, तो tan 2 अल्फा की जगह आप ले सकते हैं sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। अब देखिए आपके पास sin 2 अल्फा, तो डबल एंगल आइडेंटिटी की मदद से आप इसकी जगह 2 sin अल्फा cos अल्फा, और यहां से आप एक cos cos के साथ कैंसिल हो, तो 1 प्लस 2 sin² अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। तो यहां पे cos 2 अल्फा आपके पास LCM, तो cos 2 अल्फा प्लस 2 sin² अल्फा। तो हाफ एंगल आइडेंटिटी की मदद से आप चेक करेंगे कि आपको 2 sin² अल्फा कहां से मिल सकता है। तो देखें sin अल्फा बाई 2 आपके पास मौजूद होता है 1 माइनस cos अल्फा, तो हाफ एंगल क्या है, यहां पे हाफ, यहां पे उसका डबल। अगर यहां से हमने चेंज करना है तो अल्फा बाई 2 की जगह अल्फा अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो 1 माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म है। तो ये यहां से मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया तो रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसी को लेके चलूंगा मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एक ही पैटर्न के ऊपर है कि आपको सिर्फ इसमें जो है हाफ एंगल आइडेंटिटी, डबल एंगल आइडेंटिटी या ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है मेरे पास
क्वेश्चन नंबर 10, साइन 3 अल्फा और साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, कॉस ऑफ 3 थीटा और कॉस ऑफ थीटा, इसको मैंने प्रूव करना है कि ये इक्वल है 2 के। तो यहां से देखें, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं इसकी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड साइन 3 थीटा और साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस 3 थीटा और कॉस ऑफ थीटा। तो एलसीएम मेरे पास आ गया साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, तो यहां से मुझे मिलेगा साइन 3 थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन ऑफ थीटा। तो फंडामेंटल लॉज आपने कुछ पढ़े थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा था कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो होता है आपके पास इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। सेकेंडली आपने पढ़ा था साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म में। तो देखें फंडामेंटल जो लॉज है, फंडामेंटल लॉज, तो साइन अल्फा माइनस बीटा, देखें साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा, तो यहां पे अल्फा की जगह 3 थीटा एंड बीटा की जगह थीटा है। तो साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा इसको जगह आप लिख सकते हैं साइन 3 थीटा माइनस थीटा की फॉर्म में होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। अब साइन 3 थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो आपके पास डबल एंगल आइडेंटिटी में मौजूद है, डबल एंगल आइडेंटिटी के साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा ये आपस में कैंसिल हो और यहां से इक्वल टू 2, तो यही आपके पास राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 11, कॉस 3 थीटा और कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा और साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 4 कॉस 2 थीटा, 4 cos 2 थीटा की मान। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें आप, cos 3 थीटा और cos ऑफ थीटा प्लस sin 3 थीटा और sin ऑफ थीटा। तो यहां से cos ऑफ थीटा sin ऑफ थीटा आपके पास एलसीएम आ गया, तो रिक्वायर्ड बनेगा आपके पास cos 3 थीटा sin ऑफ थीटा प्लस साइन 3 थीटा कॉस ऑफ थीटा की फॉर्म है। तो देखें बिल्कुल जो फंडामेंटल लॉज आपके पास मौजूद है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो यहां पे आपके पास जो अल्फा की जगह है वो 3 थीटा और बीटा की जगह थीटा, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं साइन, यहां से अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, के साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म में आपके पास क्या क्या क्लोज होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पे आपके पास मौजूद आ गया कि 4 साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा की फॉर्म में। अब देखें डबल एंगल आइडेंटिटी जो आपके पास थी इसलिए साइन 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे डबल, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 4 थीटा तो यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की फॉर्म, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन 2 थीटा
cos theta whole divided by cos of theta sin of theta. अब दोबारा देखिए sin 2 theta की जगह आप 2 sin theta cos theta लिखते हैं. This is like that. 2 into 2 sin theta cos of theta. रिड्यूस साइन फोर थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ऑनली फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा. कि आपने क्या करना है, यहां पे ये साइन की पावर है, साइन की पावर फोर थीटा है, तो वो कहता है कि इसको आप मल्टीपल ऑफ थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करें. तो मल्टीपल ऑफ थीटा की फॉर्म में जाने के लिए आपके पास हाफ एंगल आइडेंटिटी मौजूद है कि जो स्क्वायर को उसके मल्टीपल में लेके जाती है. तो हाफ एंगल आइडेंटिटी में देखें आपको साइन का चाहिए, तो साइन थीटा बाई टू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई टू. देखें अगर यहां पे एंगल में आपके पास हाफ है, यहां पे उसका डबल है. अब आपके पास यहाँ पे थीटा की फॉर्म है, तो थीटा यहाँ पे आप अगर आपको चाहिए तो इसको आप लेके जाएंगे साइन ऑफ थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू की फॉर्म में. अब देखिए इसको स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर. अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह देखें आप आपको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो देखें दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर ले लें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू की फॉर्म में, तो साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू इसका स्क्वायर. डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर का अलग अलग स्क्वायर लेंगे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर. अब देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू नीचे आपके पास आ गया 1 बाई 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस टू ए बी. अब देखें बाकी तो सारे आपके पास मल्टीपल ऑफ थीटा मौजूद है, लेकिन यहां पे कॉस स्क्वायर ये दोबारा आपके पास ये पावर की फॉर्म है, तो इसको भी आपने रिड्यूस करना है मल्टीपल ऑफ थीटा की फॉर्म में. तो 1 ओवर 4 इनटू 1 माइनस इसको आप पहले लिख दें माइनस 2 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा. तो देखें आपके पास हाफ एंगल आइडेंटिटी की मदद से कि कॉस थीटा बाई टू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई टू की फॉर्म में. तो देखें आपके पास यहाँ पे चाहिए एंगल में टू थीटा, तो जब एंगल में यहाँ पे आप टू लगाएंगे तो देखें अगर यहाँ पे हाफ है यहाँ पे उसका डबल है, तो यहाँ पे अगर आप टू थीटा लगाएंगे तो यहाँ पे आपके फोर थीटा मिलेगा कॉस ऑफ फोर थीटा होल डिवाइडेड बाई टू. तो आप दोनों साइड का स्केल ले रहे हैं cos square 2 theta equal to 1 plus cos of 4 theta whole divided by 2 की फॉर्म. तो इसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 plus cos of 4 theta whole divided by 2. देखिए अब आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वहां पे एंगल में आपके पास मल्टीपल ऑफ थीटा मौजूद है, पावर को आपने रिड्यूस करना था मल्टीपल ऑफ थीटा, तो यहां से आप
टू एलसीएम आ जाएगा इनटू टू माइनस फोर कॉस टू थीटा प्लस वन प्लस कॉस फोर थीटा होल डिवाइडेड बाय टू के मान में इक्वल टू इस टू को बाय ले आए तो वन बाई एट इंटू टू माइनस टू और ये वन थ्री हो जाएगा थ्री माइनस फोर कॉस टू थीटा प्लस कॉस फोर थीटा के मान। तो यही आपने प्रूव करना था कि आपके पास साइन फोर थीटा पावर में था कि साइन की पावर आपके पास फोर थीटा। तो इसने कहा था कि इसको आप मल्टीपल ऑफ थीटा के फॉर्म में जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी 10.3 एक्सरसाइज क्लोज हुई। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, और अगर इसमें अगर आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो तो रेलिवेंट टीचर से आप ज़रूर रब्ता करें। ओके आपका।